ठाकराई के अंदर एक पब्लिक दरबार हुआ और इसमें लोगों ने शमूलियत की। यहाँ नरेगा के मुतालिक जो मनरेगा है MG महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लोगों को 2015-16 और 16-17 की पेमेंट बकाया है। IHL जो स्वच्छ भारत है उनकी पेमेंट बकाया है और उसके साथ 14-15 और 15-16 के जो PMAY IAY हैं उनकी दो दो किस्तें इन लोगों को बकाया है। अच्छा, मैं गवर्नमेंट से और गवर्नर साहब और सेक्रेटरी जो रूरल डेवलपमेंट के एडवाइज़र उनसे गुजारिश करूंगा कि फौरन इनकी लाइबिलिटी को क्लियर किया। 5 करोड़ ठाकराई जो ब्लॉक है इसकी लाइबिलिटी और 1 करोड़ दिया गया है, लिहाजा ये लोग कब तक इंतज़ार करेंगे? फाका कशी के शिकार लोग हैं और इंतज़ार करते करते आज 2-2 साल हो गए नरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार के दौर में UPA 1 UPA 2 में 15 दिन के अंदर पेमेंट मिलती थी। आज 2-3 साल का पैसा इन लोगों का बकाया है। लोगों में ज़बरदस्त रोष पाया जाता है। इसके साथ साथ पानी की यहाँ ज़बरदस्त किल्लत है, पाइपों का नामो निशान नहीं है, कोई पाइप इस इलाके में सप्लाई नहीं। केशवान की भी वही हालत है, सरावां की भी वही हालत है और पूरे ठाकराई मंगथला एरिया की वही हालत है, बहुत बुरी हालत है। इसकी तरफ भी जो चीफ मिनिस्टर PHE है खसूसी तवज्जो देनी चाहिए और साथ में जो एक्सीडेंट यहाँ हुआ अल्लाह ताला तमाम को गरी की रहमत करे। बहुत नुकसान इस ठाकराई एरिया में हुआ, 18 लोगों की जाने तड़प हुई। या SRTC बसें कम से कम 20 जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए रखी जाए ताकि उससे लोग मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया। आगे बढ़ो, आजाद साहब, आजाद साहब, सरोड़ी साहब का नारा है,